एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी ईगल थी। वो पहाड़ के शिखर पर रहती थी। उसे बहुत घमंड था क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे सिरे पर रहती थी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। माँ, क्या हम कभी यहाँ से नीचे जाएंगे? हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब जाना, पर एक बात याद रखना। क्या माँ? मैं बहुत बार नीचे गई हूँ और मुझे बस वहाँ हर तरफ गंदे जानवर और पक्षी दिखते हैं। उनकी हमारे रहन सहन से कोई बराबरी नहीं। तो हम उनसे काफी बड़े हैं, ये हमेशा याद रखना बच्चों। एक दिन एक महान आदमी माउंट एवरेस्ट पर मेडिटेशन करने आया। वो बिल्कुल ईगल के घोंसले के पास बैठ गया। ओ नहीं, कितना गंदा आदमी है वो, हमें उससे सावधान रहना होगा। हर रोज ईगल नीचे जंगल में जाकर अपने परिवार के लिए खाना लेकर आती थी। वो महान आदमी हर रोज ईगल को जाते हुए देखता। एक दिन उस महान आदमी ने ईगल को बुलाया। हो हो ईगल, यहाँ आओ मेरे पास। क्या मैं? हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ आओ। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों ही इस पहाड़ के शिखर पर हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो और गंदे भी। खुद को देखा भी है तुमने कभी? तो क्या तुम ऐसा सोचती हो? वैसे मुझे जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है, तुमसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। हे, ये क्या है? मैंने कहा था ना मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। इन बच्चों को भूख लगी थी, मैंने इन्हें अपनी बेरीज दे दी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये बच्चे हमेशा अच्छा जीवन ही जीते हैं। तुम ये नहीं समझोगे। पर सुनो ईगल, बेशक तुम खुद को सबसे बड़ी पक्षी समझती हो, तुम्हें खाना ढूंढने के लिए जमीन पर ही आना पड़ता है, तो फिर तुम सबसे बड़ी पक्षी कैसे हुई? किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। याद रहे, हम उसी के सहारे जिंदा हैं जो हमें धरती देती है, फिर चाहे अमीर हो या गरीब। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।